एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल ईजी वे एस आर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास सेवन्थ साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10, जिसका नेम क्या है बच्चों, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 4। आज का हमारा पार्ट 4th में टॉपिक का नाम क्या होगा, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। ठीक है, हम सांस में क्या क्या छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, कल वाले पार्ट 3 में मैंने आपको समझाया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो मूवमेंट होती है रिब्स और डायफ्राम में, तो आज मैं उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करवाऊंगी कि कैसे जब हम सांस को अंदर की साइड लेते हैं, मतलब इनहेलेशन प्रोसेस होती है, तो कैसे जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और जो डायफ्राम है वो मूव करता है डाउनवर्ड। ठीक है, और जब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है कि जो डायफ्राम है वो मूव करता है अपवर्ड, और क्या होता है, चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाता है। मीनिंग क्या है, इनहेलेशन में कैसे जो लंग्स है उसमें एयर फिल होती है और एक्सहेलेशन से कैसे लंग्स से एयर आउट होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, किन किन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी बच्चों, आपको लेना होगा क्या, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल। ओके, जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है, आपने क्या लिया है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल ली है। ओके, तो इसके लिए एक तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल की जरूरत होगी, और एक क्या लेना है आपको, जो वाई शेप प्लास्टिक ट्यूब लेनी, जैसे यहाँ दिखाया गया है। मैं आपको दूसरे डायग्राम से भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी, जैसे कि ये डायग्राम है, जो इसका ए डायग्राम है, इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, मतलब इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए बच्चों इस टाइप की प्लास्टिक की एक बॉटल, जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जिसके आर पार देखा जा सके। ओके, और एक आपको लेनी होगी वाई शेप की एक प्लास्टिक ट्यूब, जैसे कि ये है, ये क्या है, एक वाई शेप की प्लास्टिक ट्यूब है, और दो बैलून्स, और उन दोनों बैलून्स को जो वाई शेप की प्लास्टिक ट्यूब थी, जैसे इसकी ये दो सिरे हैं, इनके ऊपर बांध देना है। ठीक है, और इनफ्लेटेड लेना है, मीनिंग क्या है, सॉरी, जो ये बैलून्स लेने हैं ये फुले हुए नहीं लेने हैं। ठीक है, बैलून्स क्या लेने हैं, फुले हुए नहीं लेने हैं। ओके, और फिर क्या करना है, इस जो ये इसका ऊपर वाला सिरा है बोतल का, इसके सिरे में एक होल करना है, और उस होल से, मतलब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, ये बंद होना चाहिए इसका ऊपर वाला सिरा, और इस होल में से आपको इस वाई प्लास्टिक ट्यूब को ऐसे डाल देना, और फिर इसको यहाँ से सील कर देना। ओके, और जो प्लास्टिक ट्यूब लेनी बच्चों, उसको नीचे से ओपन रखना है, मतलब यहाँ से इसको कट कर देना है, और जहाँ से आपने प्लास्टिक ट्यूब को कट किया है, यहाँ पे क्या बांधना है, रबर शीट। मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगी किस किस चीज़ की आपको जरूरत होगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। सबसे पहले आपके पास एक प्लास्टिक बोतल होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो जिसके आर पार देखा जा सके। एक वाई शेप की प्लास्टिक ट्यूब लेनी है, और उसके जो ये दो सिरे हैं वाई शेप में, इनके ऊपर आपको क्या, दो बैलून्स बांधने हैं, और वो बैलून फुले हुए नहीं लेने, मतलब उनके अंदर हवा नहीं भरी हुई होनी चाहिए। और फिर क्या करना है, इस बोतल को नीचे से काट देना है, मतलब नीचे से ये ओपन है, तो ओपन सिरे पे आपको बांधनी है रबड़ की सीट। ओके, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, और ऊपर वाला जो सिरा है इसको क्या करना, सील कर देना, क्या डाल के, इसमें वाई शेप की प्लास्टिक ट्यूब को डाल के। ओके, तो ये तो लेने हैं आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो देखो, जो का डायग्राम बी है, इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान जो चेस्ट कैविटी है ना बच्चों, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, और जो डायफ्राम है वो सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनहेलेशन में, मैंने कल वाले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि जैसे ही शरीर के अंदर हवा जाती है, इनहेलेशन का मीनिंग क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया, जो अंदर की साइड हम हवा को लेते हैं, तो जैसे ही सांस के साथ जो हवा हमारे शरीर में जाती है, तो उससे क्या होता है बच्चों, जो चेस्ट कैविटी है ना हमारी, जो छाती, वो फूल जाती है। ठीक है, मीनिंग क्या है, जो डायफ्राम है छाती है, वो मूव करती है अपवर्ड। ओके, और जो डायफ्राम है वो मूव करता है डाउनवर्ड। जो मैं आपको अब इस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है ना, तो जो रिब्स है वो मूव करेगी अपवर्ड, डायफ्राम मूव करता है डाउनवर्ड, और इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, उनमें हवा भर जाती है। ओके, जैसे ए डायग्राम था, ये बैलून से, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, लंग्स को। ओके, तो देखो, जैसे हमारे मुंह से, मैं यहाँ बोतल के माध्यम से समझाऊंगी कि आप अपने शरीर से कंपेयर करना इन चीज़ों को, कि जो ये दो गुब्बारे, ये हमारे लंग्स का काम करते हैं, नीचे जो रबर शीट बांधी है डायफ्राम का काम करेगी। ओके, और जो ये स्पेस है ये किसका काम करता है, जो यहाँ पे ये स्पेस बनाई, चेस्ट कैविटी का काम करेगा। ओके, देखो बच्चों, जैसे ही एयर एंटर करेगी यहाँ पे बोतल में, हम एयर को एंटर करवाएंगे, तो इस वाई ट्यूब से क्या होगी, दोनों बैलून्स के अंदर हवा भरेगी। ओके, और क्या करना है, जो रबर शीट थी उसको नीचे की तरफ खींचेंगे हम, जैसे ही
डायफॉर्म है, ये डायफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। रबर शीट को आप नीचे डाउनवर्ड में पुश करोगे तो जो ये हवा एंटर करेगी इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें फील होगी क्योंकि अंदर का जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इनहेलेशन की प्रोसेस को। क्यों, क्योंकि इनहेलेशन के दौरान हमारे लंग्स में क्या है, ज्यादा से ज्यादा हवा फिल हो जाती है। ओके, तो जैसे ये गुब्बारे यहाँ पे फूल गए हैं, ओके, तो ये क्या बने हैं, इनफ्लेटेड। ओके, अब देखो जो इसका थर्ड है सी वाला है, ये रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करता है किसको, इनहेलेशन की प्रोसेस को। देखो एक्सहेलेशन में क्या बताया था बच्चों की जो रिब्स है वो मूव करेगी डाउनवर्ड और डायफ्राम मूव करता है अपवर्ड। अब जैसे ही आप रबर शीट को पुश करोगे ऊपर की साइड में, जैसे यहाँ पे दिखा गया अपने हाथ से क्योंकि रबर शीट बांधी थी, इसको ऊपर किया और यहाँ पे बी वाले में नीचे खींचा था, तो ये क्या है, मूव कर रहा है डाउनवर्ड। तो सी पार्ट में क्या है, जो डायफ्राम है वो मूव करेगा अपवर्ड। देखो अपवर्ड मूव करेगा तो जो एयर थी इसकी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो ये साइज यहाँ का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला है बच्चों, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है। मीनिंग क्या है, रिब केज है जो हमारी वो मूव करती है अपवर्ड और डायफ्राम मूव करता है डाउनवर्ड। ठीक है, जिससे क्या होती है, हमारे लंग्स के अंदर क्या हो जाती है, हवा भर जाती है। ओके, एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है बच्चों, जो डायफ्राम वो मूव करता है अपवर्ड, तो डायफ्राम की अपवर्ड मूवमेंट के कारण जो एयर फिल हुई थी लंग्स में वो क्या हो जाती, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से, द एक्स of rubber seat in this activity show how we inhale and exhale. Inhale का meaning क्या होता है, सांस को अंदर लेना, exhale का meaning होता है बाहर छोड़ना। Air during breath with the help of movement and upward movement of diaphragm in our body. ठीक है, downward और upward movement होती है ना जो diaphragm की, इससे breathing process हमारी फिल पूरी होती है। When the diaphragm move downward, देखो बच्चों जैसे ही diaphragm है ये move करता है downward में, जो यहाँ पे ये दे diaphragm था हमारा, ये move कर रहा है डाउनवर्ड में, तो क्या होगा, ड्यूरिंग इनहेलेशन द लंग्स आर फिल्ड विद एयर। ठीक है, तो देखो इसमें डायग्राम में दिखा गया कि जो डायफ्राम मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो जो एयर थी वो लंग्स के अंदर क्या हो जाती, फिल हो जाती है। ठीक है, बट वेन द डायफ्राम मूव अपवर्ड, ठीक है, जैसे ये डायफ्राम मूव करता है अपवर्ड, जो ये सीट थी डायफ्राम को रिप्रेजेंट करती है, मूव करेगा अपवर्ड, तो क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, क्योंकि एक्सहेलेशन की प्रोसेस थी, देन द एयर इज फोर्स टू गो आउट ऑफ द लंग्स, तो ये बैलून्स लंग्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ की जो एयर है वो पुश हो जाएगी आउटवर्ड। ओके, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखो बच्चों क्या होता है, आप घर में एक और एक्टिविटी से कर सकते हो कि कैसे आप जो अंदर की साइड लेते हो तो छाती फूलती है, और जब आप सांस को छोड़ते हो तो छाती सिकुड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि ये एक्टिविटी है, यहाँ पे आप जो घरों में फीता होता है ना उससे आप माप सकते हो कि जैसे आप सांस को छोड़ोगे बाहर की ओर छोड़ोगे तो क्या होगी, छाती आपकी सिकुड़ जाती है, आप नाप के भी देख सकते हो, और जैसे आप सांस को अंदर की साइड लोगे तो छाती आपकी क्या हो जाती, फूल जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको करवाऊंगी एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, कि हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या छोड़ा जाता है। ठीक है, क्या उसमें ओनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है, तो ये देखने के लिए भी आपको मैं एक्टिविटी से समझाऊंगी कि जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओके, देखो क्या होता है कि मेनली हम बोलते हैं कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन एक्टिविटीयों की हेल्प से कि क्या जो सांस हम छोड़ रहे हैं उसमें ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। मीनिंग क्या है कि क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती भी है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसमें भी सेम आपको क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो आप, बोतल भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओके, तो देखो बच्चों क्या करना है, इसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या लेना है, लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, वो ट्रांसपेरेंट है, लाइम वाटर लेना, एक स्ट्रो, स्ट्रो क्या होता है बच्चों, पानी पीने वाली नली नहीं होती है, जैसे कि हम कहीं पे जूस पीते तो वो एक नली देते हैं हमें। ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है, उसको स्ट्रो बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको तीन चीज की जरूरत है, एक तो लाइम वाटर की, टेस्ट ट्यूब की, और स्ट्रो की। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा,
अब जैसे मैं यहाँ दिखाऊंगी इफेक्ट ऑफ एक्सहेल एयर ऑन लाइम वाटर। एक्सहेल एयर क्या होती है बच्चों, जो सांस हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, कि जब हम सांस को छोड़ेंगे लाइम वाटर के ऊपर तो उस लाइम वाटर में क्या चेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो हमें किस चीज़ का पता चलेगा कि जो सांस हम छोड़ रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया, या तो आप बोतल ले सकते हो, टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, इसमें लिया है हमने लाइम वाटर, ओके। और एक लिया है स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ जो हमने बोतल में डाला तो यहाँ से हमने इसको सील कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सील किया है क्योंकि इसके अंदर से एक होल करके वहां से हमने इस पाइप को डाल दिया है, ठीक है। जैसे ही बच्चों आप इस पाइप से अपने मुंह से हवा को छोड़ोगे, मीनिंग क्या है, जो ये स्ट्रो है इसके अंदर आप अपनी सांस छोड़ोगे, तो जो सांस के साथ हवा आएगी उसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, ठीक है। जैसे ही जो सांस हमने इसमें छोड़ी तो जो ये लाइम वाटर का कलर है ये चेंज हो जाएगा, ये दूधिया हो जाएगा, ठीक है। लाइम वाटर का कलर चेंज होगा, बट इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो लाइम वाटर का कलर दूधिया होगा, इसका मीनिंग क्या है कि जो सांस हमने छोड़ी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। मीनिंग मतलब क्या है बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है लाइम वाटर से तभी उसका कलर मिल्की होता है, दूधिया होता है, ठीक है। अगर लाइम वाटर का कलर दूधिया बन गया है तो इसका मीनिंग ये है कि जो सांस हमने छोड़ी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ओके। तो देखो बच्चों जो लाइम वाटर है उसका फार्मूला क्या होता है, CaOH की ट्वाइस, जिसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। देखो बच्चों जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की और लाइम वाटर की रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या जो सांस हमने छोड़ी है वो, और लाइम वाटर जो इस बोतल में था, ठीक है, दोनों की रिएक्शन होगी तो इसमें यहाँ पे छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है, ये जैसे कि हम मक्खन निकालते हैं ना, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, टाइट टाइट से इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे, जिनको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, मैं आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि लाइम वाटर चेंज हो जाता है मिल्की में, इसीलिए क्या है, इससे हमें पता चला है कि जब लाइम वाटर मिल्की में चेंज हुआ है तो इस जो सांस हमने छोड़ी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको इन दोनों के रिएक्शन दिखाऊंगी। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, लाइम वाटर, ये वो जो हमने सांस के थ्रू छोड़ा है, दोनों में रिएक्शन होगी तो ये प्रेसिपिटेट बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। यही प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जिनका कलर क्या हो जाता है, मिल्की, ओके। तो क्या कंक्लूजन निकला है बच्चों, जो एक्सहेल एयर है उसने क्या चेंजमेंट किया है मिल्क जो लाइम वाटर उसके ऊपर, देखो द एक्सहेल एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिकॉज, देखो इससे हमें पता चल गया कि जो सांस हमने छोड़ी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। क्यों पता चला, इसका क्या रीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेंज लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लाइम वाटर को क्या बनाती है, मिल्की बनाती, दूधिया बनाती है, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन या फिर रेस्पिरेशन, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि जब हम क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस सांस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। देखो एक चीज का तो पता चल गया बच्चों कि जो सांस हमने छोड़ी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो सांस हमने छोड़ी है उस सांस ने लाइम वाटर के कलर को चेंज कर दिया, क्या बना दिया, दूधिया बना दिया, ठीक है। तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लाइम वाटर को क्या बनाती है, दूधिया बनाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या जो सांस हमने छोड़ी है उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। देखो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का एक्टिविटी मैंने आपको करवा दी, अब मैं आपको समझाऊंगी क्या जो सांस हमने छोड़ी उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, जो घरों के अंदर मिरर होता है, मिरर क्या होता है, आईना या शीशा, उस पर जब आप अपनी सांस छोड़ते हो शीशे के ऊपर तो वो शीशे का क्लाउडी हो जाता, मतलब उस पर क्या हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती है, मतलब वो धुंधला धुंधला हो जाता है शीशा, ठीक है। ये तो आपने आम करके ही देखा होगा कि जब हम शीशे के सामने खड़े और अपनी सांस को छोड़ रहे हैं शीशे के ऊपर, मिरर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं एयर को, सांस को छोड़ रहे हैं, तो उस शीशे के ऊपर क्या हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है वो शीशा, मतलब उस पर पानी की ड्रॉपलेट्स हो जाती, पानी की छोटी छोटी बूंदे आ जाती, ठीक है। तो इसका मेनली कारण क्या है, क्योंकि देखो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सांस हमने छोड़ी तो उसमें क्या है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट हो गए। तो देखो बच्चों से दो क्वेश्चन अराइज होंगे, ये दोनों क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जो एक्टिविटी मैं करवा रही हूं अगर आपको वो
समझ में ना आए, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, सेकंड जो एक्टिविटी है, जो हमें मैं इस एक्टिविटी से आपको बताऊंगी कि जो शीशा होता है ना, उस पर हम सांस छोड़ते तो वो शीशा धुंधला क्यों हो जाता है, उस शीशे के ऊपर छोटी छोटी बूंदे क्यों हो जाती है, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन होगा, वाही वाटर वेपर डिपोजिट ऑन ए मिरर इफ वी एक्सेल ऑन इट, ठीक है। देखो एक तो क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि जब आप क्या करते हो, शीशे के ऊपर अपनी सांस छोड़ते हो, तो उस शीशे के ऊपर वाटर वेपर क्यों डिपॉजिट होते हैं, इसका रीजन आपको बताना है। एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये भी अराइज होगा, व्हेन वी एक्सहेल एयर ऑन ए मिरर, जब आप अपनी सांस को छोड़ते हो शीशे के ऊपर, ए फिल्म ऑफ मॉइस्चराइजर अपीयर ऑन इट फॉर्म वेयर डज द डिपॉजिट कम्स, ठीक है। तो क्या पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में कि जब आप शीशे के ऊपर अपनी सांस को छोड़ते हो तो उस शीशे पे मॉइस्चराइजर आ जाता, तो आपको बताना है कि वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई है, तो इसका रीजन मैं अब आपको समझाऊंगी। देखो बच्चों, पहले मैं आपको आम भाषा में बताऊंगी, फिर आपको इसके इंग्लिश बताऊंगी, ओके। देखो बच्चों, जैसे ही आप अपनी सांस को छोड़ते हो शीशे आईने के ऊपर, मिरर के ऊपर आप एक्सहेल करते हो एयर को, तो देखो आपको पता ही, हम सांस छोड़ते तो वो सांस गर्म होती है, हम जब सांस छोड़ते हो आप महसूस भी कर सकते हो, हमारे शरीर के अंदर से जो सांस आती है, हवा बाहर निकलती है, वो गर्म होती है, ठीक है। जैसे ही वो गर्म हवा शीशे के ऊपर गिरेगी तो क्या होता है, शीशा ठंडा है, जो हमारी बाहर की एयर है वो क्या कोल्ड है, हमारी अंदर की जो सांस के थ्रू बाहर आई एयर उससे, ओके। जैसे ही सांस शीशे के ऊपर पड़ेगी तो शीशा ठंडा है तो वो सांस क्या हो जाएगी, कंडेंस होगी, ठीक है। कंडेंस होगी तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट थे सांस के अंदर, हमारे हवा में, तो वो क्या होंगे, कंडेंस होके कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। तो यही रीजन है जो सांस हम छोड़ते हैं उसकी क्या मॉइस्चराइजर हो जाता किसके ऊपर, शीशे के ऊपर, फिल्म, फिल्म का मतलब क्या, एक परत सी चढ़ जाती है आईने के ऊपर, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताऊंगी। देखो, व्हेन वी एक्सहेल एयर द कोल्ड मिरर कूल्स द एयर अराउंड इट, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो जो शीशा ठंडा है वो क्या कर देगा, जो एयर उसके ऊपर गिरेगी उसको ठंडा कर देगा, ठीक है। इट कंडेंस द एयर, ठंडा करेगा, तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, वो कंडेंस कर देगा किसको, जो एयर छोड़ी गई है, ठीक है। इट कंडेंस द वॉटर वेपर, इट कंडेंस द एयर, इससे क्या होगा, द वॉटर वेपर कंडेंस ऑन मिरर सरफेस टू फॉर्म थीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। मीनिंग क्या है कि वो क्या है, जो हवा हमने छोड़ी उसको कंडेंस कर देगा, और जो वाटर वेपर प्रेजेंट थे उस एयर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, छोटी छोटी बूंदों के अंदर, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो सांस हम छोड़ रहे हैं उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, और उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो इनहेल हम सांस अंदर लेते हैं, जो हवा हमारे शरीर में जाती है, उसमें कितनी अमाउंट में एयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक्सहेल एयर में कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले मैं इनहेल एयर का बताऊंगी, इनहेल का मीनिंग क्या है, जो हवा हम अंदर की साइड लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं जो हम, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है बच्चों 21%, ठीक है, ये ऑक्सीजन हम अंदर की साइड ले रहे हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट होती है, 0.04%, ओके। तो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.0%, और वाटर वेपर होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। देखो ये नहीं है कि हम सांस अंदर ले रहे तो उसमें ओनली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट होती है, 0.04%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और वाटर वेपर बहुत कम होती है। लेकिन जो एक्सहेल एयर है उसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना बच्चों, तो उसमें ऑक्सीजन भी निकलती है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर भी निकलते हैं, लेकिन बट साथ में ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितनी अमाउंट में बाहर निकलती है, कितनी अमाउंट में हम ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, 16.4%, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ी जाती है, 4.4%, लेते तो हम हैं 0.0% और छोड़ते हम हैं 4.4%, ठीक है। और वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो आज मैंने टॉपिक करवाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए,
बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट शायद एक या दो पार्ट और बनेंगे उनकी वीडियो बनाऊंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।